लॉकडाउन के इस दौर में गरीबों के ऊपर चारों तरफ से मार पड़ी है और इन सबों के बीच गरीबों के लिए दो वक्त के खाने के लिए लाले पड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय जनता दल के नेता सुभाष यादव किसी फरिश्ते से कम उतर कर नहीं आए हैं। लोगों के बीच ये अपने पैसे से राशन का वितरण करवा रहे हैं। कई झारखंड के कई विधानसभा क्षेत्रों में ये राशन वितरण का कार्य राजद के कार्यकर्ताओं के द्वारा करा रहे हैं। इनमें कोडरमा, चतरा, पलामू, बहरागोड़ा सहित कई विधानसभा क्षेत्रों में ये कार्य बखूबी किया जा रहा है। वहीं बिहार के कुर्था, अरवल और जहानाबाद के इलाके में भी गरीबों के बीच राशन वितरण का कार्य राष्ट्रीय जनता दल के नेता सुभाष यादव के द्वारा किया जा रहा है। सुभाष यादव लगातार अपने पैसे से बिना किसी सहयोग के ये कार्य बखूबी अंजाम दे रहे हैं, जिसे लेकर ग्रामीणों के बीच भी यह चर्चा होने लगी है कि सुभाष यादव उनके लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं हैं। ऐसी स्थिति में यही कहा जा सकता है कि जहां सरकारें अपनी तिजोरी को भरने के लिए लगातार लोगों से चंदा मांग रही है, वहीं सुभाष यादव गरीबों के लिए रहनुमा बनकर आए हैं, जो उनके दो वक्त की रोटी का जुगाड़ इस लॉकडाउन की परिस्थिति में कर रहे हैं। आज इस वैश्विक त्रासदी में बेंगाबाद प्रखंड के सुदूर इलाके में पट्टीटाक पंचायत के हरिजन बस्ती में श्री सुभाष बाबू के सौजन्य से, श्री सुभाष यादव जी के सौजन्य से यह राशन सामग्री का जो बांटी जा रही है, यह हमने आह्वान किया था सुभाष बाबू के जो हर सुख दुख में साथी रहे हैं, गरीबों का हर सुख दुख में साथी रहे हैं। इस त्रासदी को लेकर के जब हमने आह्वान किया था सुभाष बाबू से कि हमें कुछ सहायता देनी चाहिए, उन्होंने बिना सोचे समझे हमें जो राशि आवंटन कराया है उसके लिए हम सभी गिरिडीह जिला के वासी उनके तहे दिल से, हर गरीब गुरबा उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के नेता सुभाष यादव के इस जज्बे को लोग यही देखकर कह रहे हैं कि गरीबों के लिए कोई ना कोई फरिश्ता उतर कर आ ही जाता है। तो ऐसे में इस तरह के समाज सेवियों को मुखर संवाद की ओर से भी धन्यवाद और उनको इस कार्य के लिए हमारा भी सलाम। रांची से ब्यूरो रिपोर्ट। झारखंड का नंबर वन एकमात्र संस्थान NIPM, साई टावर फोर्थ फ्लोर, सर्कुलर रोड, रांची।